तो मैं उस टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, ऑल द डिप्टी कमिश्नर्स जिन्होंने शहरों में छोटे छोटे रोड शो टाइप इंडस्ट्री से बात करके उनको भी मौका दिया कि आप भी बैठिए आइए, क्योंकि जो एमएसएमई है वो बेस है, और जब भी हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उसकी नींव जो है वो बहुत मजबूत होनी चाहिए। नींव की जो नींव में ईंट लगती है, जब वो ईंट खरीदने जाते हैं ईंटों के भट्ठे पर, हम लोग यही कहते हैं उसको, 2 रुपए चाहे ज़्यादा ले लेना लेकिन ईंट अच्छी होनी चाहिए, ये नींव में लगानी है। और ताज्जुब और संयोग की बात देखो कि जो जिस पे बिल्डिंग खड़ी है नीम की ईंट पे, जो बेस की ईंट है, वो ईंट कभी भी नजर नहीं आती। एमएसएमई वो होते हैं जिन पर सारी बिल्डिंग खड़ी हो जाती है लेकिन खुद वो पर्दे पे नहीं आते, तो उनको भी हम मान सम्मान दे रहे हैं, सब बेस है जिनका यहाँ पे। और आज डायस पे बहुत से साथी पंजाब के हैं, बहुत बार उनके साथ हमारा 1-to-1 मीटिंग्स हो चुकी हैं, जिनमें हमारे थापर साहब हैं, अमित थापर जी, सचित जैन जी, हरिंद्र गुप्ता जी, सानी साहब हमारे राज्यसभा के मेंबर भी हैं, हरदीप राय जी, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई कि पैदा, कल भी मुझे मिले थे वो, पैदा वो इंग्लैंड में हुए हैं, बैक इन 1960s में उनके फैमिली उनकी चली गई थी लंदन में, और काम वो यहाँ पे करना चाहते हैं क्योंकि दिल जो है वो पंजाब से जुड़ा हुआ है। मैंने कल भी कहा था, मैंने मीडिया में भी यही कहा था कि ये समिट एमओयू का नहीं है, उसकी जगह एक एमओडीएस रख लेते हैं इसका नाम, मेमोरेंडम ऑफ दिल से। सो दिल का मेमोरेंडम है ये, हम किसी को प्रेशराइज नहीं कर रहे कि आपको आने होगा, आपको नहीं, हमने ये दिखाना है, हमने वो, नो, आप आइए देखिए, आपको अच्छा लगता है कौन सा एरिया अच्छा लगता है वहां देखिए, ज्योग्राफिकली आपकी इंडस्ट्री के लिए कौन सा एरिया फिट बैठता है वो देखिए, आपका कौन सा कस्टमर आपका टारगेट है वो देखिए, आसपास के हाईवे देखिए, लोकल रूरल एरिया में है सड़कें देखिए, कुछ चाहिए हमें बताइए, लेकिन अपनी मनमर्जी से आइए। जो दिल से मनमर्जी से आते हैं वो कहीं जाते नहीं हैं। फिर वैसे भी पंजाबियों के बारे में ये फेमस है कि दोस्ती एक बार हो जाती है, दोस्त लफ्ज़ जो है वो हिंदी का लफ्ज़ है दोस्त, इसका जो मतलब है ये इसी लफ्ज़ में ही छुपा हुआ है, सिर्फ एक डैश लगा दो, दो डैश सत्य, दो सच्चाइयां, दोनों तरफ से सच है तो दोस्त, अगर एक तरफ से है तो दोस्त नहीं है। उसके लिए और नाम बने हैं, मित्र, जानकार, नोन, नोन टू मी, वो और लफ्ज बने हैं क्योंकि इसका मतलब उसके साथ वो दोस्त कुछ ही होते हैं, बस चंद उंगलियों पे गिनने वाले। तो मैं तो यही कहूंगा कि आपने पंजाब के लिए इतना इंटरेस्ट दिखाया है, लेकिन मैं पंजाबियों का स्वभाव आपको एक 4 लाइनों में बता देता हूं कि यूं तो हर एक चीज की कोई अमानत नहीं होती, यूं तो हर एक चीज की कोई अमानत नहीं होती, और अमानत में कभी खयानत नहीं होती। पंजाब वालों से दोस्ती तो कर ली है, लेकिन याद रखना पंजाबियों की दोस्ती की कैद में जमानत नहीं होती। जो दोस्ती की कैद है वो हमारी बहुत पक्की है, तो आप एक बार आओगे तो बार बार आओगे, और अपने साथियों को भी लेके आओगे मुझे उम्मीद है। और
जितने भी देखो हमारे पास जो इस वक्त डाइस पे बैठे हैं, मोंटी कार्लो की स्वेटर है हमारे पास, वर्धमान के ब्लैंकेट हैं, ट्राइडेंट के तौलिए हैं, सोनाली का ट्रैक्टर है, हीरो का साइकिल है। वैसे तो हम मतलब एक शहर से ही मतलब सारा कुछ हमारी जिंदगी में जो आम जिंदगी में जो होता है वो पूरा हो जाता है। और सबसे ज्यादा मर्सिडीज भी वहीं पे हैं जहां साइकिल बनते हैं, जैसा किसान साहब ने कहा। तो बाइंग पावर हमारे पास, हमारे पंजाबियों में बहुत है, और पंजाबी दिल के खुले होते हैं, खर्चना जानते हैं।